नमस्कार जी, मैं हूं आपका अनुराग मुस्कान। घंटी बजाओ शो में हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। इन दिनों त्योहार का सीजन चल रहा है। अब होता क्या है कि आप सुबह अखबार पढ़ने के लिए अखबार उठाते होंगे तो ध्यान देते होंगे अखबार के पहले 4 से 6 पन्नों में सिर्फ एक ही खबर होती है, डिस्काउंट पर कार ले लीजिए, डिस्काउंट पर मोबाइल ले लीजिए, मिक्सी से लेकर फ्रिज और सोने हीरे के जेवर लेने की सेल की जानकारी छपी होती है। आप उन्हें देखते हैं, सोचते हैं कि ये खरीदेंगे। आप खरीदेंगे तो बाजार को रफ्तार मिलेगी, बाजार को रफ्तार मिलेगी तो देश की विकास दर बढ़ेगी, है ना? ऐसे ही सोचते हैं ना, फिर उसका फायदा आपको भी मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह अधूरा सच है। क्योंकि देश के विकास की संजीवनी जो है ना, वो शहरों में नहीं रहती बल्कि भारत के गांव में छिपी होती है। वो संजीवनी जिसे लाने के लिए सरकार को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का पहाड़ उठाना पड़ेगा। आप हमारी इन बातों को सुनकर कतई अब रिमोट को छू भी मत लीजिएगा, क्योंकि आज देश के गांव से भारत के विकास की कहानी को समझकर आप घंटी बजाएंगे ना तो जानते हैं क्या होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी ही ईएमआई कम होगी, आप डिस्काउंट और सेल का इंतजार किए बिना कभी भी कुछ भी खरीद पाएंगे। और इस खबर को देखने के साथ आपको यह भी समझना है कि हमारे देश में नेताओं की संपत्ति कैसे दिन दूनी रात चौगनी बढ़ जाती है, लेकिन गांव के लोग इतना भी नहीं बचा पाते कि उसे रखने के लिए कोई जगह तलाशें। जरा देखिए रिपोर्ट और बजाइए जोरदार घंटी। लोकसभा में बैठने वाले 82% सांसद करोड़पति हैं, लेकिन उन्हें सांसद बनाने वाली 83 करोड़ ग्रामीण भारत की आबादी वाले परिवार महीने में सिर्फ 1413 रुपए ही बचा पाते हैं, जबकि राजनीति में हर दल किसान, गांव और गरीब की बातें करता है। किसान की आय डबल करने का लक्ष्य, किसानों से आपने कहा था सही दाम दिलवाओगे। मेरे किसान भाइयों, किसान को पैसा नहीं, छोटे किसानों की फसल का कर्ज माफ कर देंगे भाइयों बहनों। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ। राज्यसभा में तो 84% सांसद अरबों करोड़ों की मिल्कियत के मालिक हैं, जिनकी संपत्ति रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन देश के गांवों में रहने वाले हर परिवार पर एक रॉयल एनफील्ड की कीमत के बराबर का कर्ज चढ़ा हुआ है। जबकि चुनाव में वोट मांगते वक्त हर नेता मेरा गांव मेरा देश की बातें करता है। किसानों को बेहतर जीवन जीने के लिए रास्ता तय किया। कृषि कर्मण अवार्ड आपके परिश्रम का परिणाम। निवेश आज के दिन खेती के भी फील्ड में अब अपन करने जा रहे हैं। किसानों के साथ विश्वासघात किया है। देश के 3 चुनावी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 149 विधायक दूसरी बार चुने गए तो संपत्ति में 150% तक इजाफा आया, जबकि इन्हीं 3 चुनावी राज्यों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों की महीने में बचत है औसत 1100 रुपए। यानी शहर में एक आम आदमी महीने में जितने का मोबाइल बिल भर देता है उतनी रकम देश के ग्रामीण परिवार औसत महीने में बचा पाते हैं। हमारे देश में अर्थव्यवस्था की रफ्तार हो या विकास की आंधी, उसे सिर्फ शहरों में बनते मॉल और मॉल में लगी सेल में खरीदारी करने पहुंची शहरी भीड़ से नहीं नाप सकते, क्योंकि देश की सबसे बड़ी 83 करोड़ की आबादी गांव में रहती है। बात सीधी सी है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार तभी हो सकती है जब जनता खूब कमाए और खूब खर्च करे। तो क्या भारत के 6,40,867 गांवों में रहने वाली 68% आबादी कमाने, बचाने और खर्च करने में सक्षम है? मध्य प्रदेश देश के दिल में बसा राज्य, जहां चुनाव हो रहे हैं, वोटों की चक्की में सियासत सत्ता का आटा पीस लेती है, लेकिन गांव में रहने वाली जनता को क्या मिलता है? रतलाम के किसान का ये घर है, कच्चा घर, अंदर सजावट के लिए शोपीस के नाम पर चमकते बर्तन दिखेंगे, ये भी कोई नींबू की शक्ति वाले बर्तन धोने के साबुन से नहीं धुले गए, राख मिट्टी से धोकर चमकाए गए, यही इनके लिए वॉलपेपर है, यही पेंटिंग है, यही सजावट का एक्वेरियम है। बक्सा है घर में, ताला बंद है, लेकिन इसमें भी बचत के नाम पर क्या होगा, ये समझने के लिए अब आपको किसान के घर से खेत ले चलते हैं। यह है नागू जी, सोयाबीन कूट कर दाने बाहर निकाल रहे हैं। हमने इनसे पूछा खेती करके महीने में कुछ बचा पाते हैं क्या? पैसे अगर रखते हैं आप तो काय में रखते हैं, मतलब किस तरह से रखते हैं पैसे? पैसे रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती सर, क्यों मतलब इतना है कि जितने कमाते इतने गमा रहे हैं वापस, और क्या है। सच्चाई यही है,
देश के ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय 8,059 रुपए है, जबकि औसत मासिक खर्च 6,646 रुपए। यानी भारत के ग्रामीण परिवार हर महीने सिर्फ 1,413 रुपए ही बचा पाते हैं, और जो बचता है उसमें ग्रामीण परिवार को अपना कर्ज भी चुकाना होता है। तो देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की ताकत ग्रामीण भारत के जिन परिवारों पर है वो तो खाली हाथ हैं। एक ऐसी इच्छा होगी कि अब कैसे फसल पे कुछ खरीदेंगे, क्या खरीदने की इच्छा थी इस बार? कुछ भी खरीद लेते हैं, पर पैसे मिल हो तो खरीदे, कहाँ से खरीदे, कहाँ से खरीदेंगे? क्योंकि सत्ता और सियासत का ध्यान वोटों के लिए पूजा करने में जो होता है वो भारत के गांवों में विकास की घंटी बजाने में नहीं। तभी तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवारों की मासिक आय जहां 7,631 रुपए है, वहीं ग्रामीण परिवारों का मध्य प्रदेश में औसत खर्च है 6,675 रुपए। यानी मध्य प्रदेश के गांवों में रहने वाले परिवार हर महीने के सिर्फ 956 रुपए ही बचा पाते हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले आप भारत के किसी भी शहर में रहते हुए इस रिपोर्ट को देखकर ये सोच सकते हैं कि इससे आपका क्या संबंध, ग्रामीण भारत की मजबूती से आपकी सैलरी और ईएमआई का क्या नाता। तो आप आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार शंकर अय्यर की बात सुन लीजिए। देश की अर्थव्यवस्था में जो दिक्कतें हैं उसका सीधा सीधा कनेक्शन ग्रामीण अर्थव्यवस्था से, सीधा कनेक्शन जीडीपी से इसलिए होता है क्योंकि जब तक 50% लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है और उनकी खुशहाली में ही देश की खुशहाली है। लेकिन गांवों से जुड़ी देश की खुशहाली तो महीने में अपनी आशाओं के गुड़ा भाग में ही बीती जा रही है। संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गांव सोनपैरी पहुंचे हैं। ये घर धान उगाने वाले किसान कुमार साहू का है, जो अपनी पत्नी के साथ इस वक्त कॉपी कलम लेकर बता रहे हैं कितना कमाते हैं और कितना खर्च के बाद क्या बचा पाते हैं। 2500 और 227 मिनिमम 3,000 रुपया। किसान कुमार साहू साल में धान से 1,00,000 रुपए पाते हैं, 40,000 रुपए धान उगाने के खर्च में चला जाता है, यानी साल में इनकी कमाई हुई सालाना 60,000 रुपए। खाना पीना दूध राशन पढ़ाई दवाई के खर्च के बाद इनकी मासिक बचत 1,200 रुपए हो पाती है, जिसमें ग्रामीण भारत के इस परिवार को अपनी आशाओं को खूंटे से बांधना पड़ता है। ना शौक पूरा नहीं कि चलाना तो है गृहस्थी, कैसे कभी थोड़ा कर लेते हैं, कभी अच्छा सब्जी बनाने का मन है तो नहीं बना पाते, चलो आज ऐसी रूखा सूखा खा लेते हैं, दाल चावल खा ले या ऐसी सब्जी खा लेते हैं, जैसे अपना शौक पूरा नहीं कर पाते। जरूरतें तक पूरी करने में देश के ग्रामीण परिवार कितने असमर्थ हैं इसका सबूत ये है कि बिहार के ग्रामीण परिवार महीने में सिर्फ 262 रुपए बचा पाते हैं। झारखंड में ग्रामीण परिवार की हर महीने बचत औसत 310 रुपए है। उत्तर प्रदेश के गांवों में रहने वाले परिवार हर महीने में औसत 315 रुपए बचा पाते हैं, और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवार महीने में 1,665 रुपए। जब किसान बचा ही नहीं पाएगा तो खरीदेगा कहां से, खरीद नहीं पाएगा तो बाजार में रफ्तार कहां से आएगी? तो सवाल ये उठता है, आपकी सैलरी हर साल अच्छे से बढ़े इसके लिए गांवों में क्या सरकारों को करना होगा? आपकी ईएमआई में कमी आए इसके लिए गांवों में कैसे विकास करना होगा? और देश की विकास दर बढ़े इसके लिए गांवों में कौन सा बदलाव लाना होगा? प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश की राजनीति गांव में रहने वाले किसानों, किसान परिवारों को सिर्फ अन्नदाता समझती है, और जब तक वो ऐसा समझती रहेगी ना तब तक गांव और कंगाल रहेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को असली रफ्तार नहीं मिल सकती, क्योंकि गांव सिर्फ देश को अन्न नहीं बल्कि विकास भी देने की असली क्षमता रखते हैं। राजस्थान के झुंझुनू में भानीपुरा में घड़ियों की दुकान चलाने वाले ये हैं राजेश मिश्रा। ना जाने कितनी घड़ियों का वक्त इन्होंने सही मिला दिया, लेकिन ग्रामीण भारत में विकास का वक्त अब तक सिस्टम नहीं मिला पाया। खामियाजा ग्रामीण कस्बे में रहने वाले राजेश मिश्रा जैसे आम आदमी के परिवार भुगतते हैं। इनके घर में पत्नी है, बेटा और बेटी है, महीने के 10,000 रुपए कमा पाते हैं, लेकिन इतना नहीं कमा पाते कि खुशियों और हर जरूरत की रोटी घर में फूल सके। न तो बच्चे को कंप्यूटर ला के दिया जा सकता है, न वॉशिंग मशीन खरीदी जा सकती है, न LCD लाई जा सकती है,
तो इनकम सोर्सेज अगर हो तब तो ये सारी चीज सारी डिमांडें हैं वो पूरी हो सकती है सबकी, लेकिन इनकम सोर्सेज फिलहाल है नहीं। वजह ये कि राजस्थान में ग्रामीण परिवार औसत महीने में 8,338 रुपए जहां कमा पाते हैं, वही उनका एक महीने का औसत खर्च है 7,039 रुपए। यानी राजस्थान के गांवों में रहने वाले परिवार महीने में औसत 1,299 रुपए ही बचा पाते हैं, और जब 1,300 रुपए ही महीने के बचेंगे तो उसे ग्रामीण परिवार इमरजेंसी के लिए रखेंगे, कर्ज चुकाएंगे या बाजार से कुछ खरीद पाएंगे। कोटा के इस परिवार को देख लीजिए, इनकी सबसे बड़ी पूंजी घर में स्टील के ये गिने चुने बर्तन हैं। महीने में बचत के नाम पर इनके पास 600 रुपए बचते हैं। बेतवारी होते ही नहीं, कहाँ से बेतवारी करते हैं, कहीं से बेतवारी होते हैं, अजी लाते हैं पाव तेल, लाते हैं पाव तेल में सब्जी रंधते हैं, क्या वो क्या होते हैं पांच मिनट जाना। छोटी छोटी चीजों को खरीदने के लिए जरूरी बचत की ताकत ग्रामीण भारत के परिवारों के पास ना होने के कारण देश के 46% ग्रामीण परिवारों के पास टेलीविजन नहीं है, 66% ग्रामीण परिवारों के पास फ्रिज नहीं है, 63% ग्रामीण परिवारों के पास कोई मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं है, 90% ग्रामीण परिवारों के पास कार नहीं। जब एक साथ 83 करोड़ की आबादी आर्थिक रूप से मजबूत होकर कमाएगी और खर्च करेगी तो निश्चित रूप से विकास नई ऊंचाई छुएगा। तो सवाल उठता है, ग्रामीण भारत के परिवार पैसे क्यों नहीं बचा पाते हैं, इसका कारण क्या है? अब ये समझने के लिए हम पहुंचे दो अर्थशास्त्री प्रवीण झा और अरुण कुमार के पास। जो कृषकों की आय होती है, आप जो आंकड़े हैं वो कहते हैं 40 से 50 हजार करोड़ जो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं वो उपज के तुरंत बाद बर्बाद हो जाते हैं, चाहे वो कई किस्म की सब्जियां हों, फल हों इत्यादि। तो उसके बारे में हम पता नहीं, अब तो 5 दशक से कम ये लगातार कह रहे हैं कि जो स्टोरेज फैसिलिटीज हों उस सबका इंतज़ाम हो जिससे कि इस तरह की वेस्टेज नहीं हो, लेकिन हम करते कुछ नहीं है। सरकार का ध्यान बड़े बड़े उद्योगों पे, बड़ी इंडस्ट्रीज पे है, तो जो हाईवे प्रोजेक्ट वगैरह है वो इसीलिए है कि जो मतलब माल आसानी से इधर से उधर चला जाए, तो वो जो माल जो जाएगा इन हाईवेज पे वो तो बड़े बड़े उद्योगों का होगा। जो छोटे जो किसान हैं, जो जो लोकल प्रोडक्शन करते हैं, उनके लिए तो रूरल कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो मेरा मानना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़रूरी है, रूरल एरियाज पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज एबीपी न्यूज़ की राय है, देश में ऐसा मॉडल होना चाहिए जिसमें आखिरी छोर तक विकास पहुंचे। अर्थशास्त्र के सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि ग्रामीण भारत में रहने वाले 83 करोड़ लोगों की जिंदगी में पहुंचे विकास को मापदंड बनाना चाहिए। ग्रामीण भारत के लिए विकास का अलग बजट हो, ग्रामीण भारत में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि का आधारभूत ढांचा मजबूत किया जाए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।